हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो डीटीएच की है, डीटीएच की पावर सप्लाई है। और इसमें फॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है कि डीटीएच के कार्ड के लिए दोस्तों जो 3.3 वोल्टेज है वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर ये वोल्टेज सही नहीं मिले तो आपका कार्ड सही नहीं चलेगा। तो इसकी ये कंडीशन है कि एक मैं सिरा इसका ग्राउंड पर रखता हूँ, दूसरा 3 वोल्ट पर। दोस्तों, इस सप्लाई में प्रॉब्लम है कि इसकी जो वोल्टेज है वो स्थिर नहीं है। ये देख सकते हो, ये मैंने एक सिरा ग्राउंड और दूसरा 5 वोल्ट पर रखा है। ये देखें, कभी 5 वोल्ट, कभी 1 वोल्ट भी ले जाता है दोस्तों कई कई बार। तो इसमें दोस्तों क्या फॉल्ट रहेगा ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोड इसका 5 वोल्ट पर कम और जो 3.3 है इस पर ज़्यादा रहता है। तो हम इसे 3.3 वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज से ही बनाई गई है। वो कैसे बनाई गई है कि ये 5 वोल्टेज है, जहां पर दोस्तों 5 वोल्टेज है, ये आप देख सकते हो, जहां पर 5 वोल्टेज है और जो 5 वोल्टेज है जहां से एक इन्होंने डायोड लगाया, जहां पर, और जहां से डायोड लगाया जहां पर, तो ये वोल्टेज ड्रॉप होते होते जहां पर 3.3 वोल्टेज रह जाएगी। क्योंकि ये सस्ते वाली सप्लाई है इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। तो जो ओरिजिनल सप्लाई जैसे पहले डिश टीवी की आती थी या और भी मेलबोर्न या और कई कंपनियां हैं, उन्होंने जो 3.3 वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर से ही निकाली है, वो ज़्यादा कामयाब रहती है। इसलिए इसका जो ज़्यादा लोड है वो 5 वोल्ट पर ही रहेगा। तो जो ये 5 वोल्ट है, ये जो आपकी 5 वोल्टेज है, ये कम ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि जो 3.3 वोल्टेज है वो 5 से निकली है, इसलिए हम 5 वोल्टेज को ट्रेस करेंगे और देखेंगे इसको कि ये कहाँ से आ रही है। दोस्तों, इसके लिए इन्होंने एक तो ये वाला कंडक्टर है, ये है 10 वोल्ट 1000 mA, ये 5 वोल्ट पर लगाया गया। इसके लिए जो हमने ये कंडक्टर लगाया है, ये है 10 वोल्ट 1000 mF माइक्रोफेरड, तो ये 5 वोल्ट के लिए लगाया गया है। हम इसको चेंज करते हैं और ये देख सकते हो, जहाँ से ये 5 वोल्ट पर लगा है। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर सप्लाई बन रही है तो ज़्यादा फॉल्ट इन्हीं कंडक्शन का ही ज़्यादा रहता है। 2200 UF 10 वोल्ट ही है, पहले इसमें था 1000 UF 10 वोल्ट। तो अब मैं ये लगाने जा रहा हूँ क्योंकि 5 वोल्ट अच्छी तरह बनी रहे। क्योंकि जितना UF ज़्यादा लगा हुए आप, उतनी उस आपकी जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छी तरह काम करेगी। और इसका आपने ये निशान देख रहे हो नेगेटिव वाला, और जहाँ पर जो निशान रहेगा ये भी नेगेटिव वाला रहेगा। तो आपने ये जो छोटे वाली लेग है इसकी, इसको नेगेटिव में लगाना है और दूसरी को पॉजिटिव में। दोस्तों, कंडक्टर या कैपेसिटर लगाते वक्त आपने हमेशा इसकी जो पोलैरिटी है इसका पूरा ख्याल रखना है, पूरा ख्याल रखना है इसका, कि अगर ये उल्टा लग जाए
तो आपका कनेक्शन तुरंत फट सकता है। ये देखो सप्लाई हमारी ओके है, 5 वोल्ट स्टेल है, जो पहले ये अंतर था वो कभी कभी 1 वोल्ट ही रह जाते थे और कभी 5 वोल्ट हो जाते थे। आप देख सकते हो 5 वोल्ट मिल रही है हमको सप्लाई।